भाई आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले दो बहुत ही ज्यादा तगड़े प्रोसेसर्स को। जो पहला है वो है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000, बहुत रिसेंटली लॉन्च किया गया है भाई और मीडियाटेक का फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। और दूसरी तरफ हम रखेंगे और भी ज्यादा रिसेंटली लॉन्च किए गए प्रोसेसर को, यानी कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 को। दोनों ही प्रोसेसर अपने अपने ब्रांड के बेस्ट प्रोसेसर है, फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर है। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के डाला था मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 की डिटेल स्पेसिफिकेशंस के लिए, अगर आप वो देखना चाहते तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे देता हूं, वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डायमेंसिटी 1000 को कंपेयर करेंगे स्नैपड्रैगन 865 के साथ में और देखेंगे भाई किसके अंदर हमको ज्यादा फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। फटाफट से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। भाई सबसे पहले बात करते हैं दोनों प्रोसेसर के सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की। तो यहाँ पर डायमेंसिटी 1000 और स्नैपड्रैगन 865 दोनों ही प्रोसेसर को प्रोसेस किया गया है 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर, यानी कि यहाँ पर आपको जो सेमीकंडक्टर का साइज है वो मिलता है 7 नैनोमीटर का। ये जो सेमीकंडक्टर का साइज होता है भाई, जितना ज़्यादा कम होता है प्रोसेसर उतना बेटर परफॉर्म करता है, उतनी कम बैटरी खाता है और साथ ही में हीटिंग का इशू भी उतना ही कम देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों ही प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा तगड़ा काम किया गया है, दोनों के अंदर से आपको बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी। भाई अगर बात की जाए सीपीयू के नंबर ऑफ कोर्स की, तो डायमेंसिटी 1000 और स्नैपड्रैगन 865 दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट के ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, यानी कि मल्टीटास्किंग और टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों ही प्रोसेसर में आपको 8-8 कोर मिलते हैं। भाई अगर बात की जाए सीपीयू क्लॉक स्पीड की, तो डायमेंसिटी 1000 के अंदर आपको 8 कोर मिलते हैं, 8 में से जो 4 कोर है वो मिलते हैं आपको परफॉर्मेंस के लिए, जहां पर आपको मिल जाता है आर्म कॉर्टेक्स A77 और जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो आपको मिल जाती है 2.6 गीगाहर्ट्ज़ तक की। जो बचे हुए 4 कोर है वहां पर आपको मिलता है आर्म कॉर्टेक्स A55, ये जो 4 कोर है ये हैं एफिशिएंसी के लिए और यहां पर आपको मैक्सिमम क्लॉक स्पीड मिलती है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ तक की। स्नैपड्रैगन 865 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ट्राई क्लस्टर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको जो पहला कोर है वो मिलता है गोल्ड वाला, जहाँ पर आपको मिलता है आर्म कॉर्टेक्स A77 और जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है वो मिलती है 2.84 गीगाहर्ट्ज़ तक की। जो बाकी के 3 कोर है वो भी मिलते हैं आपको गोल्ड वाले, जहाँ पर आपको मिलता है आर्म कॉर्टेक्स A77 लेकिन आपको क्लॉक स्पीड यहाँ पर मिलती है 2.42 गीगाहर्ट्ज़ की। और जो बचे हुए 4 कोर है वहाँ मिलता है आपको आर्म कॉर्टेक्स A55 और क्लॉक स्पीड आपको यहाँ पर मिल जाती है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की। तो सीपीयू क्लॉक स्पीड के मामले में भाई दोनों ही प्रोसेसर तकरीबन बराबर है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 865 के अंदर आपको ट्राई क्लस्टर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है, तो हल्का सा बेटर लगता है स्नैपड्रैगन 865, लेकिन क्लॉक स्पीड के मामले में दोनों प्रोसेसर तकरीबन बराबर लगते हैं। भाई अगर बात की जाए ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की, तो डायमेंसिटी 1000 के अंदर आपको बिल्कुल ही नया जीपीयू देखने के लिए मिलता है, आर्म माली G77 MC9 जीपीयू, जो कि वेलहाल प्रोसेस पर बना हुआ जीपीयू है। और भाई कंपनी क्लेम करती है कि पुराने जितने भी जीपीयूस हैं उससे 40-50% बेटर परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। तो बहुत तगड़ा जीपीयू आपको डायमेंसिटी 1000 के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 865 की बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम की तरफ से ही एड्रेनो 650 जीपीयू देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर क्लॉक स्पीड आपको मिलती है 587 मेगाहर्ट्ज़ तक की। तो भाई दोनों ही प्रोसेसर के अंदर बहुत तगड़े जीपीयू आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर यह कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई किसके अंदर बेटर जीपीयू देखने के लिए मिलता है, तकरीबन दोनों में एक जैसे जीपीयू देखने के लिए मिलते हैं। भाई अगर दोनों प्रोसेसर के इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग की बात की जाए, तो डायमेंसिटी 1000 के अंदर आपको बिल्कुल ही नया 5 कोर ISP देखने के लिए मिलता है, जहां पर 3 कोर मिलते हैं आपको बड़े वाले और 2 कोर मिलते हैं छोटे वाले। वीडियो HDR का सपोर्ट मिल जाता है आपको, डेप्थ इंजन का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही में बहुत सारे AI फीचर का सपोर्ट मिलता है, AI 3A, AI NR, AI हाई डायनामिक रेंज, साथ ही में AI फेस डिटेक्शन का ऑप्शन भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 865 की बात की जाए तो इसके अंदर भी बहुत ही एडवांस ISP का यूज़ किया गया है। जो ISP इसके अंदर यूज़ किया गया है वो किया गया है क्वालकॉम स्पेक्ट्रा 480, जो कि एक डुअल 14-बिट ISP है। यहाँ पर आपको HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision फॉर्मेट का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही में आपको यहाँ पर नेटिव HDR रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग के मामले में भाई जो स्नैपड्रैगन 865 है थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है डायमेंसिटी 1000 से, लेकिन डायमेंसिटी 1000 के अंदर भी आपको बहुत तगड़े फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कैमरा सपोर्ट की अगर बात की जाए, तो डायमेंसिटी 1000 के अंदर आपको 80 मेगापिक्सल तक के कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही में रेंज ऑफ एडिशनल कैमरास भी मिल जाता है, जहां पर आप टेलीफोटो, HDR, डेप्थ प्रोसेसिंग और दूसरे कैमरास का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप एक डुअल कैमरा यूज़ करते हैं तो यहां पर आपको 32+16 मेगापिक्सल तक के डुअल कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है।
स्नैपड्रैगन 865 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल तक के डुअल कैमरा का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर आपको ZSL का सपोर्ट भी मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल तक का ही सिंगल कैमरा का सपोर्ट मिलता है ZSL के सपोर्ट के साथ में, और साथ ही में अगर विदाउट ZSL लेते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम सेंसर साइज आपको मिल जाता है 200 मेगापिक्सल तक का। कैमरा सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 865 बहुत ज़्यादा बेटर लगता है डायमेंसिटी 1000 से। भाई अगर वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की बात की जाए तो डायमेंसिटी 1000 के अंदर आप 4K अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रिजोल्यूशन मिल जाता है 3840x2160 पिक्सल का। साथ ही में इसके अंदर आपको एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर ही मल्टी फ्रेम HDR का ऑप्शन मिल जाता है। भाई मैंने इसको इमेजेस में तो देखा है हाई डायनामिक रेंज का ऑप्शन, लेकिन वीडियो के अंदर भी सपोर्ट करता है डायमेंसिटी 1000। स्नैपड्रैगन 865 की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पर आप 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 33 मेगापिक्सल्स के साथ में, 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 फ्रेम पर सेकंड पे। साथ ही में यहाँ पर आपको हाई रेजोल्यूशन फ्लूड स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है 30 फ्रेम पर सेकंड पे, और एक बहुत एडवांस फीचर इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है अनलिमिटेड स्लो मोशन का, जहाँ पर आप 720 पिक्सल वाला स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 960 फ्रेम पर सेकंड पे। वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन के मामले में भाई दोनों ही प्रोसेसर तगड़े हैं, दोनों में अपने अपने फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर केवल रेजोल्यूशन की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 865 के अंदर आपको 8K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो स्नैपड्रैगन 865 बहुत ज्यादा बेटर लगता है। भाई अगर डिस्प्ले सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है डायमेंसिटी 1000। फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर होने के बाद में भी यहाँ पर आपको केवल फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है 2520x1080 पिक्सल का। वहीं पर अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन 865 की तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। 4K डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है और वहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है 60Hz का। अगर डिस्प्ले लगाया जाता है QHD प्लस वाला तो रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है 144Hz का। तो भाई यह बहुत तगड़ा डिस्प्ले सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। एक्सटर्नल डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर 4K एक्सटर्नल डिस्प्ले का सपोर्ट आपको मिल जाता है 60Hz फ्रेम रेट पे, और साथ ही में HDR और HDR10 का सपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 865 बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाता है डायमेंसिटी 1000 से। बात की जाए अगर रैम सपोर्ट की तो डायमेंसिटी 1000 के अंदर आपको डुअल चैनल LPDDR 4X रैम का सपोर्ट मिलता है। मैक्सिमम रैम साइज आपको मिल जाती है 16GB की, और जो रैम फ्रिक्वेंसी है वो मिल जाती है आपको 1866 MHz की। स्नैपड्रैगन 865 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको क्वाड चैनल रैम का सपोर्ट मिलता है, क्वाड चैनल LPDDR5 का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर आपको रैम फ्रिक्वेंसी मिल जाती है 2750 MHz की। LPDDR4X का भी सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आपको रैम फ्रिक्वेंसी मिल जाती है 2133 MHz की, और जो मैक्सिमम रैम साइज है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है 16GB तक। रैम सपोर्ट के मामले में भी डायमेंसिटी 1000 हल्का सा पीछे रह जाता है स्नैपड्रैगन 865 से, यहाँ पर बेटर रैम सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। भाई अगर बात करें स्टोरेज सपोर्ट की तो डायमेंसिटी 1000 के अंदर आपको UFS वाला स्टोरेज सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन कौन सा वर्जन देखने के लिए मिलता है ये मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए मैंने लगा दिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगर आपको पता पड़ता है भाई मेरे को कमेंट में बता देना कि यहाँ पर कौन सा UFS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 865 के अंदर आपको UFS 3 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पर डायमेंसिटी 1000 में भी UFS 3 का सपोर्ट हमको मिल जाता है तो दोनों प्रोसेसर हो जाते हैं बराबर, अगर नहीं मिलता है तो स्नैपड्रैगन 865 निकल जाता है आगे। भाई अगर बात की जाए LTE मॉडेम की तो डायमेंसिटी 1000 के अंदर आपको 5G NR मॉडेम देखने के लिए मिलता है, जो कि 6GHz मॉडेम है। डाउनलिंक के लिए आपको यहाँ पर CAT19 मॉडेम देखने के लिए मिलता है, और जो डाउनलोड स्पीड मिलती है भाई वो मिलती है आपको 4.7 GBPS की। अपलिंक के लिए यहाँ पर आपको कौन सा मॉडेम देखने के लिए मिलता है ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जो अपलोड स्पीड मिलती है वो मिल जाती है 2.5 GBPS तक। बहुत ही ज़्यादा तगड़ी यहाँ पर आपको डाउनलोड और अपलोड की स्पीड देखने के लिए मिल जाती है डायमेंसिटी 1000 के अंदर। अब हम बात करते हैं स्नैपड्रैगन 865 की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन X55 मॉडेम देखने के लिए मिलता है, 5G मॉडेम है। डाउनलोड की जो स्पीड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 से भी बेटर देखने के लिए मिलती है। डाउनलोड के लिए आपको मिल जाती है 7.5 GBPS की स्पीड, और अपलोड के लिए मिल जाती है आपको 3 GBPS की स्पीड। तो भाई स्नैपड्रैगन 865 LTE मॉडेम के मामले में भी बेटर लगता है डायमेंसिटी 1000 से। भाई आखिरी में बात की जाए दोनों प्रोसेसर के लॉन्च डेट की, तो दोनों ही प्रोसेसर एकदम हरे भरे ताजे प्रोसेसर हैं, अभी ही लॉन्च हुए हैं, यानी कि जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसके आसपास लॉन्च हुए हैं। भाई 2 साल बाद अगर आप वीडियो देखते हो तो मेरे माथे आओगे, कमेंट करके बोलोगे कि यार ये अभी कहाँ से लॉन्च हुए, तो 2019 में लॉन्च हुए थे। वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर हैं।
डेट की बात की जाए तो डायमेंसिटी 1000 को लॉन्च किया गया 26 नवंबर 2019 को और स्नैपड्रैगन 865 को लॉन्च किया गया है 4 दिसंबर 2019 को। तो भाई दोनों ही प्रोसेसर एकदम हरे भरे हैं, एकदम ताजे हैं। तो भाई ये था कंपैरिजन दो बीस प्रोसेसर का, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 का स्नैपड्रैगन 865 के साथ में। और भाई इतने सारे स्पेसिफिकेशंस का कंपैरिजन करने के बाद में ये चीज क्लियर हो जाती है कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 के अंदर हमको बहुत सारे तगड़े फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, 5G का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, बहुत सारे AI फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं और भी बहुत सारी नई नई चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो स्नैपड्रैगन 865 है उसके अंदर हमको डायमेंसिटी 1000 से भी ज्यादा अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ज्यादा एडवांस प्रोसेसर है, 5G को सपोर्ट करता है, 5G डाउनलोड स्पीड तगड़ी मिल जाती है, अपलोड स्पीड तगड़ी मिल जाती है, जो कोर्स है जहां पे सीपीयू आपको देखने के लिए मिलता है बहुत ज्यादा तगड़ा देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर डायमेंसिटी 1000 नो डाउट बहुत तगड़ा प्रोसेसर है, लेकिन जो स्नैपड्रैगन का 865 है वो उससे भी ज्यादा बेटर निकल के आता है। तो यहां पर इस बैटल का विनर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 865, बहुत ही ज्यादा एडवांस प्रोसेसर है। तो भाई अगर आपको कंपैरिजन अच्छा लगा हो और आपके मन में कोई विचार हो, आप मुझे बताना चाहते हो कि आपको दोनों में से कौन सा प्रोसेसर अच्छा लगा, तो कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।